तो दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है करने धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंजिंग वीडियो। ठीक है भैया? ठीक है। जैसे इस पृथ्वी पर से कलीसिया उठा ली जाएगी, शुरू हो जाएगा 7 साल का महाभारी क्लेश काल का, 3.5 साल क्लेश काल के, 3.5 साल महाक्लेश काल के। ठीक है। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो लोग यहाँ रह जाएंगे, छूट जाएंगे, वे लोग बिन चरवाओं की भेड़े बन जाएंगे। उस समय उनके लिए कोई आशा किरण नजर नहीं आएगी, उनका बहुत बुरा हाल होगा। मसीह विरोधी तड़पाएगा। अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, अभी तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है पाप करने में, वो विचार करने में, लड़कियों को पटाने में। कब तक पाप करते रहोगे? क्या अंत नहीं? मैं हर वीडियो में यही चिल्ला के बता रहा हूँ, समय कम है और दिन बुरे हैं। समय कम है तो अपने आप को बचा लो, तैयार कर लो अपने आप को, चले जाओ यीशु के साथ। वरना जो कोई यहाँ पर छूट जाएगा तो आपको पता ही है उसका क्या हाल होगा। मेरे प्रियो, क्या हाल होगा? इस जो आप धरती पर तालाबों में, झीलों में, नल से जो पानी निकलता है ना आपके हैंडपंप से, उससे पानी नहीं, उससे खून निकलेगा। मेरे प्रियो, खून निकलेगा। चारों तरफ परमेश्वर पानी की जगह लहू बना के रख देगा, लहू ही मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, पाप मत करो, बुराई मत करो, समय कम है। यीशु ने कहा है तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। वह घड़ी सुबह की, दोपहर की, रात की, शाम की भी हो सकती है। उठते बैठते, खाते पीते, नाश्ता करते समय वह घड़ी भी हो सकती है मेरे प्रियो। इसलिए तैयार रहो, पाप मत करो। कब तक शख्स वीडियो देखते रहोगे मेरे प्रियो? कब तक मेरे प्रियो? उसने अपना कीमती रक्त बहाया है, यीशु मसीह ने अपना कीमती रक्त बहाया है मेरे प्रियो। उसने मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, 30-32 साल की उम्र में उसने दुख तकलीफ में गुजार दिए मेरे प्रियो। छोड़ दो गंदे लते, लौट आओ यीशु के पास। परमेश्वर आपको माफ कर देगा, वो दयालु परमेश्वर, करुणा निधि परमेश्वर, किसी को नाश करना नहीं चाहता मेरे प्रियो। याद रखना मेरे प्रियो, जिस प्रकार से आप पाप कर रहे हो इस धरती पर, याद रखना परमेश्वर उसका गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय किया जाएगा श्वेत सिंहासन के सामने, जब परमेश्वर न्याय करेगा, ठीक है, आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, इसके सारे जवाब आपको प्रकाशित वाक्य में मिल सकते हैं। ध्यान से वीडियो देखिए, ध्यान से मेरे प्रियो, ठीक है। और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया जाएगा तो उसे स्वर्गदूत खींच तान कर नरक में फेंक देंगे मेरे प्रियो। और एक बार उस नरक में चले गए, वहाँ ना आग बुझेगी और ना वहाँ कीड़े मरेंगे, हमेशा के लिए डाला जाएगा उसको। शैतान नहीं चाहता है कि आप स्वर्ग जाएं, शैतान तो उस गड्ढे में जाएगा ही, वो तुमको भी ले जाएगा। शैतान का न्याय तो पहले ही से हो चुका है, वो तो उस नरक में जाएगा। बाबा आपको ऑलरेडी हर वीडियो में बताया जा रहा है, भैया क्यों नहीं समझ में आ रहा है यार? पाप छोड़ दो, बुराई छोड़ दो, मैं यही वीडियो में बता रहा हूँ। जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है मैं निरंतर यूँ करता चला आऊँगा। सुनना करना आपका काम है, जीवन और मृत्यु आपके सम्मुख रखती है, फैसला आपका ही, आपका है, चुनाव भी आपका है, ठीक है। बताना मेरा काम है जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। यीशु ने कहा था तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी में आ जाऊँगा, उसी घड़ी यीशु मसीह आ जाएगा। जो कहता है यीशु मसीह अभी नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, 2, 4, 5, 6, 7, 50, 7 साल के बाद आएगा, तो ये ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल देना। यीशु ने कहा था प्रभु का यहाँ 1 वर्ष 1 दिन के बराबर है। यीशु ने कहा था तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी में आ जाऊँगा, उसी घड़ी परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आ जाएगा, उसी घड़ी यीशु मसीह आ जाएगा। जिस समय इस धरती पर से कलशिया उठा ली जाएगी, उस समय इस धरती पर हाहाकार मच जाएगा। उस समय हर घर में रोना, मिलखना, चिल्लाना उठा होगा। कोई तो उस समय पाप कर रहा होगा, कोई तो उस समय भैया बाइबल पढ़ रहा होगा,
और जिस समय इस धरती पर से अचानक करोड़ लोग गायब हो जाएंगे, उस समय इस धरती पर तलवारें चलना शुरू हो जाएंगी, वध होना शुरू हो जाएंगी, बहुत सारे पास्टर प्रचारक लोग छोड़ दिए जाएंगे। यहीं पर जो तैयार होगा, जो इस समय तैयारी बना के रखा होगा, वही उठा लिया जाएगा, बाकी सब यही छोड़ दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब हम कलीसिया जाते हैं, चर्च जाते हैं, पास्टर है, पादरी है, प्रचारक है और हम यीशु मसीह में उठा लेगा। अरे भाई, परमेश्वर आपका जीवन देखता है कि आप कैसी चाल चल रहे हैं। ठीक है, आपके जैसे बहुत सारे लोग सुध सिंहासन के सामने लाइन लगा के खड़े होंगे और रोएंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे प्रभु परमेश्वर मुझ पर दया कर दे, मुझ पर दया कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। वहाँ पर उस समय रहम नहीं, क्षमा नहीं दी जाएगी। वहाँ उन लोगों को न्याय करके, श्वेत सिंहासन के सामने से न्याय करके उन्हें खींच तान कर नर्क में फेंक दिया जाएगा, नर्क में फेंक दिया जाएगा। उस समय आपके सारे दिमाग की गर्मी निकल जाएगी। अभी समय है, लौट आओ, अभी समय है, लौट आओ, समय कम है, दिन बुरे हैं, बचा लो अपने आपको यीशु के कहर से। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमीन।